Good morning, students. Myself, Mohit Patel from Swaminarayan Dharma Gurukul, Jai Sri Swaminarayan. Today, we are continuing our chapter 7 in class 10 English Medium Science. अब हमने एनिमल के अंदर देखा, एनिमल के अंदर रिफ्लेक्शन देखा, ह्यूमन ब्रेन के बारे में देखा, उसमें नर्वस टिश्यू होते हैं, उसके बाद ये भी देखा कि टिश्यू कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे एक्शन होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं। हमने देखा है कि ये सन फ्लावर है, वो सनलाइट के तरफ मूवमेंट करता है, टच मी नॉट प्लांट है, उसको टच करो तो वो है ना सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, वो सेंसिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई। पर हमने लीव्स या फ्लावर्स सुबह मतलब सनलाइट में ब्लूम करते हैं, बाद में एट इवनिंग वो ढल जाते हैं, लीव्स भी थोड़े ऐसे हो जाते हैं, तो सनलाइट में ऐसा वो खड़े क्यों हो जाते हैं जिससे वो सनलाइट अच्छी रिसीव कर पाए। तो ये कैसे मेंटेन होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। एनिमल के पास नर्वस सिस्टम है, हमारा सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे जो भी एक्शन हम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। कोई भी हम रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं तो उसके सामने कोई एक्शन रहा होगा तो उस हिसाब से हम रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम है। बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। हमारे पास नर्वस सिस्टम है एंड उसको अकॉर्डिंगली एक्ट करने के लिए मसल्स है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू वो सब हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग टाइप के मसल्स, अलग अलग बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग मसल्स होती है, वो हम क्लास 9 में टिश्यूज चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बट एनिमल के पास नर्वस सिस्टम है, मसल्स है, प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है एंड मसल्स है। तो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युलाई, वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो कैसे क्या करते हैं, वो यहाँ हमें देखना है। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ चुई मुई, चुई मुई, चुई मुई का मतलब होता है सेंसिटिव, और टच मी नॉट प्लांट ऑफ अ मिमोजा फैमिली, मिमोजा प्लांट, ठीक है। आपने सब गुजराती में है लजामणी, ठीक है, लजामणी लज्जा है, आपने शर्म नहीं है ना गुजराती में, मतलब टच करो यार शर्म आई है, कैसे करे सिख हम बेनी दे, ओके। तो वो क्या करते हैं जब उसको हम टच करते हैं, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, ड्रूप मतलब ढलना, जैसे कि लीव्स शाम को ढल जाते हैं ना, और ढलना मतलब ड्रूप, मतलब उसको लीव्स को जैसे आप टच करते हो वो ऐसे मतलब फोल्ड मतलब इकट्ठा हो जाते हैं एंड ड्रूप ढल जाते हैं। व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन एंड स्टेम कम्स अप इन टू द एयर। जब कोई भी सीड जर्मिनेट होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने समर में ये जो मतलब आम का पुतली खाया होता है, कहीं डाला होता है, तो क्या होता है वो पीछे की तरफ जाता है, उसमें से एक है ना लीव्स वाला पार्ट, शूट वाला पार्ट निकलता है। तो ये कौन कंट्रोल करता है प्लांट में, क्यों रूट ऊपर नहीं आया, शूट नीचे नहीं गया, लीव्स नीचे जमीन में क्यों नहीं उठे, तो ऐसा कुछ सिस्टम तो होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल है, प्लांट की एक्शन दिखा रहा है, मतलब प्लांट का रिस्पॉन्स दिखा रहा है, कुछ अंतर होता है, प्लांट भी कुछ तरीके से मैनेज करते होंगे, जिस तरीके से मतलब हमारे में होता है, वैसे उनमें सिस्टम नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, मसल्स नहीं है, बट दे रिस्पॉन्स फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन। द रूट गो डाउन स्टेम कम्स अप, व्हाट हैपेंस, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। सबसे पहले क्या होता है कि भाई जैसे ही मिमोजा प्लांट को टच करते हैं तो लीव्स फटाफट से वो रिस्पॉन्स के हिसाब से, वो एक्शन के हिसाब से रिस्पॉन्स दिखाते हैं, वो फोल्ड अप हो जाते हैं एंड ड्रूप मतलब ढल भी जाते हैं। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट में कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं था, ये कौन था, ठीक है, उसमें था जिसमें रूट नीचे गए शूट ऊपर आया उसमें था, फिर बाद में ये लीव्स, ठीक है, सनफ्लावर सनलाइट की तरफ से उठता है तो उसमें तो ग्रोथ
ग्रोथ इन्वॉल्व होता है उसके ग्रोथ उसके ऊपर डिपेंड करता है नो वो जस्ट रिस्पॉन्सेज है ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ सीडलिंग मतलब वो जो छोटा पौधा जिसको हम सीडलिंग बोलते हैं जैसे कि आम का गुठली होता है मैंगो का जो गुठली होता है उसके अंदर छोटा कोटिलेडन्स होते हैं उसके अंदर छोटा बेबी प्लांट होता है और वो जो सीड है मतलब जो गुठली है वो उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है शूट ऊपर जाता है रूट्स नीचे की तरफ जाते हैं ठीक है पर ये ग्रोथ से हुआ ठीक है मतलब कोई ग्रोथ इन्वॉल्व होता है किसी क्षण में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता dependent of growth and second
get immediate response to stimulus. Amount of water change करके इसका
वो अपना शेप चेंज करता है। एक और बात मैं मिमोजा प्लांट के बारे में बताना चाहूंगा, तो मेरे घर पे मिमोजा प्लांट है, तो वो रात को ढल जाते हैं, रात को वो ड्रूप हो जाते हैं, जैसे उसको सनलाइट मिलती है वैसे फोल्ड अप हो जाते हैं, टच करने के बाद सिकुड़ जाते हैं, थोड़ी देर में वो ऑटोमेटिकली वाटर का अमाउंट भरता है, समझ रहा है, जैसे आप टच करते हो पानी खींच लिया जाता है तो सिकुड़ जाते हैं, बट वापिस से पानी उसके अंदर थोड़ी देर थोड़ा टाइम लगता है, बाद में जैसे थे वैसे हो जाते हैं, वैसा चीज होता है, बट रात को वो ड्रूप हो जाते हैं और दिन होता है तो वो वापिस से शो ऑफ करने लगते हैं। ठीक है, तो हम आज इतना रखते हैं, हम अगली वीडियो में मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, अब ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्लांट के पास भी हॉर्मोन्स होते हैं, केमिकल्स में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जैसे हमारे में है, ठीक है, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो अगले वीडियो में प्लांट का जो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, ये मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड नहीं था, अगले वीडियो में ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट देखेंगे, तब तक वीडियो को देखिए, समझे कि प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे करता है। बाय।